हम लोग घर जा रहे हैं तो गाड़ी साफ कर रहे हैं, 5 दिन से यहाँ बाहर पड़ी है। देख लो सामान कितना ज़्यादा है, पूरी गाड़ी खचाखच भर जाएगी। अब हम निकल रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 4। सारी चीज़ें पैक हो गई है, खचाखच डेकी भर गई है, दोनों में खचाखच सामान भरा हुआ है। जय स्वामीनारायण बा, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। इधर पास में ही वर्णिंद्र धाम है, गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, जो बहुत ही फेमस है। यहां पर दिवाली में लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ ड्रोन शॉट लेने थे इसलिए रुके थे। रात के बज रहे हैं 12 एंड मैं यहां पर कर रहा था एडिटिंग, बिकॉज इतने दिनों की छुट्टियां मनाने के बाद गाँव से जस्ट अभी अभी पहुंचे। एंड एज यू नो आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर, तो अभी आने वाले दिनों में इतने ज़्यादा वेडिंग भी है, तो इतना लोड है कि सबके प्री वेडिंग भी ख़त्म करने हैं, किसी का प्रोडक्ट शूट भी एडिटिंग ख़त्म करना है उसका भी, तो बस इतना लोड है कि एडिटिंग करते करते 12:30 बज गए और मॉर्निंग में भी 4:30 बजे उठने का प्लान है, तो करीब 4 घंटे की नींद मिलेगी, तो फटाफट मिलते हैं मॉर्निंग में। जैसा मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा लोड है, 5-7 दिन के बाद वेडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो सब कुछ काम ख़त्म करना है। मॉर्निंग के 8:30-9 बजे से ही एडिटिंग करना शुरू हुआ था और अभी 4 बजे फिर भी ख़त्म नहीं हुआ है, और शाम को भी कब ख़त्म होगा वो भी पता नहीं है। बीच में 1 या 2 घंटा पापा को भी ऑफिस में कुछ काम था तो उनके यहाँ गया था, तो वो 2 घंटा एडिटिंग नहीं हो पाया था, तो फटाफट ख़त्म करना है। तो शाम के बज रहे हैं 5 एंड गांव में से आने के बाद नाना नानी को भी मिलने जाना है, न्यू ईयर पे मिलना सबको बाकी है, तो बस लोड इतना है कि फटाफट मिलकर आ जाना है। लोग जा रहे हैं नाना नानी के घर, बस यहाँ पास में ही है तो 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। रास्ते में से मम्मी को कुछ खरीदी भी करनी है तो इसके लिए बस रुके, फटाफट पहुंचते। ये शास्त्री नगर की सब्जी मंडी है और यहाँ पर जामफल लेने के लिए रुके। ये भैया पैक कर रहे हैं, देखो। तो ये जामफल खरीद लिए। यहाँ पर हम लोग मकई लेने के लिए रुके। तो गाइस यहाँ पर सारी चीजें आ गई है। तो शास्त्री नगर ये सब्जी मंडी में से कुछ सब्जी भी लेनी थी तो इसके लिए रुके थे, अब जा रहे हैं मामा के घर, फटाफट पहुंचते हैं वहां पर, बहुत लेट हो चुका है। तो गाइस हम लोग नाना नानी के घर पहुंच गए। यहां पर बा दादा मेरे व्लॉग देख रहे हैं, ऊपर मजा नहीं आएगा। दादा ये कंकोत्री का दुकान खोल कर बैठे, ये दादा देख रहा है फोन में मेरा व्लॉग।
भाई यहाँ पर दीवा कर रहे हैं, शाम को बापा सीताराम को आरती कर रहे हैं। देखो बापा सीताराम को आरती करना है, मेरे को तो बहुत पसंद है सीताराम बापा। ये बा लेकर आए नाश्ता, हीरा बा का मोहन थाल खाने के बाद अब आ गया गीता बा का ये मोहन थाल। यहाँ पर इतना लेट हो रहा था, घर जाकर एडिटिंग भी करना था, लेकिन बा ने मना करने के बाद भी खाने के लिए रोक लिया। बा कुछ बना रहे तो खाना तो बनावा पड़े नहीं मे को। और यहाँ पर बा ने गर्मा गर्म मेथी के गोटे बना लिए। क्यों बने दादा? सरस टॉप सरस बने। तो रात के बज रहे हैं 10:15 और हम लोग जस्ट अभी अभी नानी के घर से यहाँ आए। काफ़ी मना करने के बाद भी नानी ने हमें न्यू ईयर में पहली बार आए हो, न्यू ईयर में पहली बार आए हो ऐसा कर करके रोका है। वो बहुत ही मतलब ऐसा किसी को जाने नहीं देते जल्दी अपने घर से। तो मेरी कल एक टेस्ट भी है, तो उसके लिए मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। वो 3 से 4 घंटा शायद ले लेगी प्रिपरेशन करने में। तो 10:15 तो वैसे भी हो चुके हैं, तो 3-4 घंटा गिने तो लगभग 1.5-2 तो बच ही जाएंगे। तो गाइज रात के बज रहे हैं 11:30 और कल भी मैं 2 घंटा सोया था और आज भी पढ़ाई करनी है, तो शायद कितने घंटे की नींद मिलेगी वो मुझे पता नहीं है। और आँखों में पूरी नींद भरी हुई है और जगने के लिए पढ़ाई करने के लिए जो चाय पीनी पड़ेगी, तो चलो फटाफट चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, फटाफट पीकर पढ़ने बैठते हैं। रात को बजने को है 3 और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा लिखना जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है और मुझे मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना भी है, तो शायद 2.5 घंटे की नींद मिलेगी। कल भी मुझे 2 घंटे की नींद मिली थी, आज भी 2.5 घंटे की नींद मिलने वाली है। और आँखों में 2 दिन की जो आप नींद देख सकते हो दिख ही रही है शायद। मॉर्निंग में मुझे एग्ज़ाम भी देने जाना है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में फटाफट। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। Thank you.